हेलो फ्रेंड्स, मेरा चैनल लर्न विथ रूना में आपका स्वागत है। जैसा कि अपने पिछले वीडियो ट्रेनिंग ऑन पैरेटो चार्ट में हमने कहा था, इस वीडियो में हम एक्सेल में पैरेटो चार्ट ड्रॉ करके बताएंगे। हालांकि उस वीडियो में भी हमने एक्सेल में ड्रॉ करके बताया था, बट दोनों में डिफरेंस ये है कि वो स्क्रीनशॉट के फॉर्म में था और उस वीडियो में एमएस एक्सेल 2010 यूज़ किया गया था और इस वीडियो में हम एक्सेल 2016 का यूज़ कर रहे हैं। जबकि एक्सेल के सारे वर्जन मोर और लेस सेम होते हैं, इसलिए वर्जन को लेकर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा डेटा है जिसमें फेलियर टाइप्स और नंबर ऑफ फेलियर्स दिए गए हैं। सबसे पहले हमें इन डेटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। आइए इसे अरेंज कर लें। पहले डेटा को सिलेक्ट कर लें, राइट क्लिक, सॉर्ट, सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, एक्सपेंड द सिलेक्शन, सॉर्ट। ये आपका सिलेक्ट हो गया। अब क्योंकि लास्ट के जो दो फेलियर्स हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं, इसलिए इन्हें हम कंबाइन करके अदर्स की कैटेगरी में ले लेंगे। यहाँ पे अदर्स, ये टोटल दोनों का सम 6 हो जाएगा। ये रो डिलीट कर देते हैं। अब नेक्स्ट हमें नंबर ऑफ़ फेलियर्स का टोटल निकालना है, जिसके लिए यहाँ फॉर्मूला लगा देते हैं, सम, ये रो सिलेक्ट कर लीजिए, एंटर। तो ये हो गया टोटल 328। इसे कोई कलर दे दें, ठीक है। नेक्स्ट हमें दो कॉलम और ऐड करने हैं। पहला है परसेंटेज, और दूसरा रहेगा क्यूमुलेटिव परसेंटेज। शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। अब हमें ये 89 टोटल का कितना परसेंटेज है वो निकालना है, वैसे ही 71 टोटल का कितना परसेंटेज है वो निकालना है। आइए पहले फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल टू ब्रैकेट दिस डिवाइडेड बाय दिस ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाय 100। हो गया 27.13। अब इसका डेसिमल प्लेस रिड्यूस कर ले, दो डेसिमल तक लेते हैं। अब हमें ये ड्रैग करना है, तो इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर हम ये ड्रैग करेंगे तो ये नीचे वाले सेल का फॉर्मूला लेने लगेगा। जैसे B3/B14 ले लिया, जबकि हमें चाहिए B3/B13। वैसे ही इसमें चाहिए B4/B13, इसलिए इसमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये यहाँ पे हमें B13 फिक्स रखना है, इसलिए B और 13 के बीच में हम डॉलर साइन लगा देंगे। अगर आप मैकबुक पे कर रहे हैं तो कमांड टी का यूज़ करें, और अगर आप नॉर्मल लैपटॉप पे यूज़ कर रहे हैं तो F4 प्रेस कर दें। अब इसे ड्रैग कर लीजिए। अब हमें ये ध्यान देना है कि इनका टोटल 100 होना चाहिए। सम 100 आ गया, जो कि सही है। नेक्स्ट हमें क्यूमुलेटिव परसेंटेज निकालना है। क्यूमुलेटिव परसेंटेज निकालने का तरीका क्या है, इस सेल के लिए क्यूमुलेटिव परसेंटेज सेम रहेगा, दिस इक्वल टू दिस C2। इस सेल के लिए क्यूमुलेटिव परसेंटेज क्या होगा, 21.65 प्लस इसके ऊपर वाला मतलब 27.13 इक्वल टू दिस प्लस दिस। अब हम इसे ड्रैग कर लेते हैं और लास्ट सेल का वैल्यू 100 आना चाहिए, जो कि ठीक है। ठीक है,
ये हमारा डेटा का काम हो गया, अब हमें ग्राफ तैयार करना है। इसके लिए हमें तीन कॉलम की ज़रूरत पड़ेगी, फेलियर टाइप्स, नंबर ऑफ़ फेलियर्स और क्यूमुलेटिव परसेंटेज। क्यूमुलेटिव परसेंटेज, परसेंटेज की ज़रूरत नहीं है इसलिए इसे हम हाइड कर देते हैं। नेक्स्ट, अब क्या करना है कि इन डेटा को सिलेक्ट करिए, इंसर्ट में जाइए, कॉलम सिलेक्ट करिए और क्लस्टर्ड कॉलम। अब ये सेकेंड वाला जो बार है ग्रे कलर का, उसे हमें क्यूमुलेटिव लाइन में कन्वर्ट करना है, इसलिए सेकेंड बार को क्लिक करिए, राइट क्लिक और चेंज चार्ट टाइप, और इसमें हमें लाइन और ये लाइन विथ मार्कर्स। अब हमें यहाँ पे सेकेंडरी एक्सेस चाहिए होगा क्यूमुलेटिव परसेंटेज का, इसलिए लाइन पे राइट क्लिक करिए, फॉर्मेट डेटा सीरीज और इसमें सेकेंडरी एक्सेस। हमारे पास ये सेकेंडरी एक्सेस आ गया। अब क्योंकि पैटो एक डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ है, इसलिए हमें इन बार्स के बीच में गैप नहीं चाहिए, इसलिए बार पे राइट क्लिक करिए, फॉर्मेट डेटा पॉइंट और ये इसमें जो गैप विड्थ है 219, इसे हमें ज़ीरो करना है। ये ऐसा आ गया। अब इन शेप्स में आउटलाइन सेलेक्ट कर लेते हैं। ये कुछ इस प्रकार है। अब हमें ये जो एक्सिस है, इसे ज़ीरो टू टोटल नंबर जो यहाँ पे था, मतलब जो 328 है, वो चाहिए होगा। इसे एडिट कर दें, इस एक्सिस को क्लिक करिए, राइट क्लिक करिए, फॉर्मेट एक्सिस, मिनिमम ज़ीरो ही रहेगा और मैक्सिमम जो टोटल है वो डाल दीजिए, 328। अब ये जो है, ये हमें 0 to 100 चाहिए क्योंकि क्यूनिटी परसेंटेज मैक्सिमम 100 है, ये हमेशा 100 ही रहेगा। तो राइट क्लिक फॉर्मेट एक्सेस, मैक्सिमम हंड्रेड। ये हमारा ग्राफ तैयार है। अब इसे हम लेबलिंग कर देते हैं। चार्ट टाइटल में आपको कभी पैटो चार्ट नहीं लिखना है, आप इसकी जगह पे लिख सकते हैं प्रायोरिटाइजिंग हमारे केस में है फेलियर डिफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, इस पर हमें लेबल्स ऐड करने हैं, राइट क्लिक, ऐड डेटा लेबल्स। इन लाइंस पे भी हमें लेबल्स ऐड करने हैं, राइट क्लिक, ऐड डेटा लेबल्स। अब इस ग्राफ को क्लिक करिए, चार्ट डिज़ाइन, ऐड चार्ट एलिमेंट, एक्सिस टाइटल, एक्सिस में हमें प्राइमरी हॉरिजॉन्टल चाहिए, इसमें टाइटल आ गया, इसका नाम दे दें फेलियर टाइप्स। सिमिलरली फिर से ग्राफ को क्लिक करिए, चार्ट डिज़ाइन, ऐड चार्ट एलिमेंट, एक्सेस टाइटल्स, प्राइमरी वर्टिकल, यहाँ पे इसका नाम दे दें, जो पैरामीटर हमने सेलेक्ट किया, या हमारे केस में नंबर्स हैं, तो नंबर ऑफ फेलियर्स फिर से क्लिक करिए, ऐड चार्ट एलिमेंट, एक्सेस टाइटल, सेकेंडरी वर्टिकल, और यहाँ पे ये क्या है, क्यूमुलेटिव परसेंटेज।
इसका शेप मोर और लेस स्क्वायर का शेप होना चाहिए। ये लाइन हम रिमूव कर देते हैं, बोल्ड साइज। अब नेक्स्ट हमें इसमें वाइटल फ्यू और यूजफुल मेनी आइडेंटिफाई करना है। इसके लिए दो मेथड हैं। आपको क्यूमुलेटिव लाइन में ब्रेक पॉइंट आइडेंटिफाई करना है जहाँ से स्लोप चेंज हो रहा होता है। जैसे हमारे लिए ये यहाँ पे है, यहाँ से स्लोप, यहाँ से तो स्ट्रेट जा रहा है और यहाँ से स्लोप चेंज हो रहा है। एक दूसरा ब्रेक पॉइंट यहाँ पे है, हमें ये वाला ब्रेक पॉइंट लेना है। वहीं से हमें एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। अगर कभी कभी आपको ग्राफ में ये स्लोप नहीं दिखता है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन ही दिखता है और ये स्लोप में चेंज नहीं दिखता है, तो इस केस में आप क्या करेंगे कि यहाँ 80% से एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्यूमुलेटिव लाइन को टच करते हुए ड्रॉ करेंगे और यहीं से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो अभी क्योंकि हमें ये स्लोप में चेंजेस दिख रहे हैं तो हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन यहीं पे ड्रॉ करेंगे। इसके लिए इंसर्ट शेप्स, शेप फिल, नो फिल। अब इस लाइन के लेफ्ट साइड को वाइटल फ्यू से आइडेंटिफाई कर दीजिए। सेट शेप, और वहीं दूसरी तरफ यूजफुल मीनी या ट्रिवियल मीनी से आइडेंटिफाई कर दीजिए। ये हमारा पैरेटो चार्ट तैयार है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो या आपके डाउट्स क्लियर हुए हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। इसके अलावा हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिससे नेक्स्ट वीडियो के अपलोड होने की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू।